नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरठ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों व जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धांधली के आरोप सहित किसानों के उत्पीड़न और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल कर जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ और प्रमुख का चुनाव हुआ, जो गुंडाई खुले हुई है, महिलाओं का चीरहरण हुआ है, लोकतंत्र को लूट लिया गया है, उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन किया है। और इस धरने प्रदर्शन से ही आगाज हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो जालिम सरकार है उसका सफाया होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये अधिकारी और ये बीजेपी के लोग देख लें, ये हवा का रुख बता रहा है कि राज आ रहा है और राज जा रहा है। गुंडाई राज जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश का राज आ रहा है, गरीबों का मजदूरों का राज आ गया। मोगा जिले में SDP मशीन लगवाने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष को सौंपा मांग पत्र। ब्लड सर्विस सोसाइटी मोगा ने आज दिनांक 16/7/2021 को जिला परिषद के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धालीवाल को जिला के शासकीय अस्पताल में SDP सेल मशीन लगवाने के लिए ज्ञापन दिया। मांग सौंपने वाली सोसाइटी ने मशीन लगवाने के फायदे बताए, क्योंकि निजी अस्पतालों में सेल की फीस 11,000 से 12,000 है, जहां से इतनी फीस देकर हर कोई सेल नहीं ले सकता। सरकारी अस्पताल में मशीन आ जाए तो हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। अध्यक्ष साहब ने कहा समाज को जल्द SDP मशीन लगवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रक्त सेवा समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। बलकरण सिंह ढिल्लो, राजवीर सिंह, गुरतेज सिंह, गुरमुख सिंह, जसविंदर सिंह, पलविंदर सिंह, रणदीप सिंह, आकाशदीप सिंह लाली जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे।